नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल पर। तो जैसे कि एनडीटी का रिज़ल्ट आया है, तो मैंने इसके बाद वीडियो बनाया था, या फिर आपने देखा होगा रिज़ल्ट जो भी आया है। तो मैंने बताया था कि आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है जो भी सेलेक्टेड हैं उस शॉर्ट लिस्ट में आए हैं। तो इस चैनल से जुड़े हुए, जो पहले से जुड़े हुए थे, उनका काफ़ी लोगों का इसमें जो है सिलेक्शन हुआ है, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनके रोल नंबर जो है रिज़ल्ट में है। तो अगर आपने अभी तक किसी ने चेक नहीं किया है रिज़ल्ट वगैरह, तो वो चेक कर सकते हैं। और जो आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा था, फॉर्म पे जाके किस तरह से चेक करना है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। और जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि अपना रिज़ल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनल आंसर की भी डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको पता चल जाएगी कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ताकि आपके मार्क्स बढ़े हैं, या फिर आपके पहले वो क्वेश्चन सही था अब लेकिन चेंज हो गया है, तो उससे भी थोड़ा फ़र्क हुआ है। क्योंकि कई के मुझे ऐसी क्वेरीज आई है, बोल रहे हैं कि मेरे 1% से रहा है, मेरा कट ऑफ से इतना कम है। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये जो लिस्ट आई है वो भी फर्स्ट लिस्ट है। इसके बाद जैसे इसमें भी 1.5 times बुलाए हैं, मतलब 1.5 गुना बुलाए हैं, लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सीधा सा जब रिक्रूटमेंट आया था तो भी इसमें बता दिया गया था कि 2 साल का डिप्लोमा ही जो है मान्य होगा, उसके साथ ही साथ वो है NCT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। NCT आपको पता होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, तो इससे ये मान्यता प्राप्त ज़रूर होना चाहिए। और 2 साल का तो मिनिमम क्या, ये 2 साल का ज़रूरी है, वही मान्य होगा। 1 साल वाले तो बिल्कुल मान्य नहीं किया जाएगा, और जहाँ तक मुझे पता है 1 साल वालों का इसमें शायद नहीं हुआ है, अगर हो भी गया है गलती से तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि जो 2 साल वाले हैं तो अपना प्रिपेयर रखें, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने इसी के लिए जो ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको पता चल सके कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से तैयार कर लेने चाहिए। और इसके अलावा जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं बता दूंगी, क्योंकि जब नोटिस आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट वगैरह फाइनल हो जाएगी, तो उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या ले जाना है। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये आप तो डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखें अभी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने जो ये डॉक्यूमेंट बता रही हूँ, वो बता रही हूँ PTI का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो उसमें जो नोटिस आया था, तो उसमें जो चीज़ें बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो आप क्योंकि इससे आइडिया ले सकते हैं, और बोर्ड सेम ही है, थोड़े से आपके डॉक्यूमेंट अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है आधार कार्ड और पैन कार्ड मूल निवास, वो तो सभी के सेम है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, तो वो बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार वो लिस्ट देख लेते हैं। तो ये है आपका रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट आपने चेक कर लिया होगा, इसमें आप अपना रोल नंबर जो है सर्च कर सकते हैं, जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनके सभी के रोल नंबर है। ये कट ऑफ है, हालांकि इसके बारे में बता चुकी हूँ कितनी क्या कट ऑफ गई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये है PTI में जो निकला था नोटिस की आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता, जैसे आपके 10th की मार्कशीट है, 12th की हो गई, फिर आपके पास जो NTT के जो फर्स्ट और सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है, उसके बाद जो डिग्री आती है वो, और इसके बाद ये तो शैक्षणिक वाला हो गया। इसके अलावा जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, या OBC ST SC जिस भी कोटे से आपने भरा है, वो सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए। अगर आपका जो है उसके टाइम हो गया है, तो आप रिन्यू करवा लीजिए कोई भी प्रमाण पत्र है। इसके अलावा आधार कार्ड अपना एकदम तैयार रखें, पैन कार्ड नहीं बनाया तो वैसे बना हुआ ही होगा, तो पैन कार्ड रखें। उसके बाद जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चरित्र प्रमाण पत्र, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, मेनली ये होता है कि जब जिस भी इंस्टीट्यूट से पास किया है, चाहे वो BEd हो, BSTC हो, या फिर और कोई अगर कोई भी
कोर्स करते हैं, जब गवर्नमेंट जॉब लगती है तो अपन जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं वो वहीं से जाके बनता है। तो जैसे कि राजस्थान में जो है ये एनटीटी के बंद हो चुका है, हालांकि जो स्पेशली करवाते थे तो इंस्टीट्यूट भी बंद हो गए, हालांकि जो अलग से उनके पास और भी जो है डिप्लोमा या डिग्री करवाते हैं वो तो अभी भी इंस्टीट्यूट होंगे, तो उनके पास आपने बनवा लिया होगा, या फिर हो सकता है जब पहले आपने डिग्री वगैरह ली तो उस टाइम भी इशू कर दिया गया हो। तो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए भी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। इसके अलावा और भी आपको जो है एक बार नोटिस मिल जाएगा कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो किस तरीके से बनवाना है, या फिर और कहीं से आप कैसे बनाना है, तो उसके बारे में मैं आपको और जानकारी बाद में दे दूंगी। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आप ज़रूर तैयार रखें, जैसे कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिड है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जैसे किसी ने जो विधवा कोटे से भरा है या फिर जो तलाकशुदा वाले कोटे से भरा है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये। और ये है कि जो खेल से है प्लेयर्स हैं स्टेट लेवल वाले, तो वो भी अपना जो सर्टिफिकेट है वो भी ये संभाल के रखे, तैयार रखें। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अपने जो जो डॉक्यूमेंट है इससे रिलेटेड वो तैयार रखें। तो ये थे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले है आधार कार्ड, और अब फोटो वगैरह तो आपके पास होगी, तो ये सारी चीज़ें आप एक जगह रख सकते हैं। इसके अलावा आप नोटिस का वेट करें, उसमें अगर कुछ न्यू आता है तो वो आप तैयार रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है यही है सेम, इसके अलावा कोई अलग से आने वाला नहीं है कि आपको कोई अमेरिका जाके बनवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो जो है वो आप सही से रखें, जो जो भी इस भर्ती के लिए रिक्वायर्ड है तो वो सभी। तो ये था इम्पोर्टेंट कि आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना होगा। और अब बात है कि जैसे कि कई अभी भी मुझे बोल रहे हैं कि हमारा एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं। तो इससे एनसीटी की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपना जो ये आपका इंस्टीट्यूट है उसका नाम सर्च कर सकते हैं, कि अगर वो उस लिस्ट में आता है इसका मतलब है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, और आप इस जो ये पोस्ट है इसके लिए वैलिड हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, और सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि इसमें 2 वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा ही मान्य होगा, 1 वर्ष वाला नहीं होगा। और हो सकता है कई जो बीएड बीएसटीसी वाले भी अगर सेलेक्ट हो गए हैं इस शॉर्टलिस्ट में तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं सेकेंड लिस्ट की। तो फर्स्ट लिस्ट में जो है कुछ फाइनलाइज हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें 1.5 टाइम बुलाया है, लेकिन भी जिनकी जो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे या फिर कुछ ना कुछ कमी होगी या फिर गलत होंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है सेकंड लिस्ट ज़रूर आएगी, तो जिनका भी थोड़ा बहुत जैसे 1 या 2 नंबर से रहे हैं तो आप सेकंड लिस्ट का ज़रूर वेट करें, और सभी अपने डॉक्यूमेंट जो है अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दें। कुछ कमी है तो आप पूरी कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है तो इसलिए। और इसके अलावा आप वेट कर सकते हैं कि कब तक जो आए, उससे पहले अपना जो खुद का काम तो पूरा रखें, क्योंकि जैसे अगर कोई और नोटिस में कुछ अलग चीज़ ऐड होती है तो आप उसको बस यही काम रहेगा कि आपको कि बस वही चीज़ बनानी है और अलग डॉक्यूमेंट है जो आपके तैयार रहेंगे। तो अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जो कि अभी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इस चैनल से पहले से जुड़े हुए थे, उनका काफ़ी लोगों का जो है इसमें सिलेक्शन हुआ है, सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो मुझे काफ़ी सारे ईमेल्स आए और कमेंट्स आए, तो मैं उनको सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी और कांग्रेस करना चाहूँगी कि आप कोई बधाई हो कि आप अभी तो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी को। इसके अलावा ये बताना चाहूँगी कि ये सब जो है आपकी मेहनत का ही नतीजा है, तो आप इस तरीके से मेहनत करते रहें और लगे रहें, और ऐसा कुछ ना सोचें कि आगे क्या होगा, अभी शॉर्टलिस्ट है, अभी आप अपने डॉक्यूमेंट है जो अपने लेवल पे, तो आप एकदम प्रिपेयर रखें। ऐसा नहीं है कि हमारा इसमें तो हो गया लेकिन आगे होगा या नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो 100% आपका होगा, आपको कोई भी है जो निकाल नहीं सकता है। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ गलती होगी या फिर गलत तरीके से कुछ हुआ होगा तो वो आप ज़रूर आप बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या फिर दो राय नहीं है, ये सीधा फैसला है। और
मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बताना चाहूँगी कि इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, itisneha30@gmail.com। जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनके पास तो मेरी ईमेल आईडी थी और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे मैसेज किए थैंक यू के, तो मैं उनको फिर से बोलना चाह रही हूँ कि थैंक यू मेरी तरफ से फिर से। तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये पहुँच पाए जिन्होंने भी एनटीटी का एग्ज़ाम दिया है। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें एंड शेयर करें सभी के साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और सब्सक्राइब करें। और जो लेटेस्ट जो भी न्यूज़ होगी एनटीटी से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर बताती रहूँगी। और जो भी नेक्स्ट नोटिस वगैरह आएगा जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगी। और इसके अलावा आप भी जो है जो वेबसाइट है राजस्थान ये वाली RSSB वाली जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वाली जो वेबसाइट है RSMSSB वाली, तो उसको विजिट करते रहिए क्योंकि जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन या फिर नोटिस आता है तो आप उसके अवेयर हो सके, देख सके कि क्या आगे क्या करना है। सो इसी तरीके से बने रहिए, स्टे ट्यून। सो थैंक यू, और अपने कमेंट ज़रूर बताएं।